उल्टा लगा है? हाँ। चलो कोई नहीं, लगा तो है। बस यही है। वाह, अच्छी लग रही है। IMAX 3D। टिकट नंबर लग पे सर बोल दीजिए जी। और भी जा सर, क्या 3D चश्मा। फोन 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 आ जाओ। आपका फोन ले 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 ले। तू इसको पर पहन समझ जाओ, दौड़ के चढ़ जाओ, दौड़ के जाना आ जाओ। पहनना देख नहीं रहा। ओ माय गॉड, दूर लोब। ओ वाला हबीबी, क्या बात है, कितनी बड़ी स्क्रीन है यार। मैं व्लॉग बना ही रहा हूँ भाई साहब। फर्स्ट टाइम IMAX 3D, IMAX एक्सपीरियंस। स्क्रीन दुख यार, कितनी बड़ी है। मजा आ भी गयो छे। मैं थोड़े दिन और यहाँ रह जाऊंगा ना, गुजराती बोलने लग जाऊंगा कसम से। ओ भाई, इतनी बड़ी स्क्रीन है, देखो IMAX 3D। हाँ, यहाँ पे बॉलीवुड क्या दिखाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे वॉकिंग मतलब 3D मूवी है। हाँ, स्पेस की, उसको बताएंगे। अच्छा, गजब है यार। हेलो, ये बैठे सारे अपने मुंह पर टॉर्च मारने हैं। यूँ लग रहा है जैसे भी पानी में डाइव करेंगे चश्मा पहन के। वहाँ पे नहीं पहनते बर्फ में? बर्फ में अच्छा। हाँ, साफ है, मेरा वाला साफ है। यू आर नील आर्मस्ट्रांग, अपोलो 11। वो, ओ माय गॉड, भाई साहब। ओ माय गॉड, 3D में ना भाई, यूँ लग रहा है जैसे वहीं बैठे हैं। ये है ना। ओहो, ये मैंने 3D में अवतार मूवी है ना। हाँ हाँ, गजब है यार। अच्छा, अगर आपको मौका मिला तो आप चांद पर जाएंगे? जरूर। क्या आप अंतरिक्ष के शून्य में 3 दिन की यात्रा करेंगे? नहीं, एक ऐसे यान में मर जाएंगे हम। एक कार जितना बड़ा है और उसमें आपके पास खाना पीना और हवा सिर्फ उतनी ही हो जितना आप ले जा सके। अगर हाँ, तो आपकी यात्रा यहीं धरती से शुरू होती है। उस शानदार जीरो में हम ट्रेवल नहीं कर सकते। जिसे ये सफर बड़े ही खतरों से भरा हुआ है, पर आप निकल पड़ेंगे मानव जाति की सबसे महान। इतनी स्पीड से हम ट्रेवल ही नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। हाँ, ओ गॉड, ये लड़ाई जैसा भी लगेगा ना ऊपर ही। ओ वाओ, भाई साहब, मनुष्य के इतिहास में ज्यादातर एक सपना ही रहा चांद पे।
लेकिन बल्ले में गाइस दिस एक्सपीरियंस इज माइंड ब्लोइंग। ऐसा लग रहा है यहीं चल रहा हूँ मैं। ये हो वाह, बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया है ना। थ्री डी एक्सपीरियंस इज ऑसम मैन। ओ माय गॉड, यूं लग रहा है जैसे मैं अभी इसको छू लूंगा। बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। आजा 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 है ना। ओ हम भी तुम्हें देख रहे हैं। मैं पहली बार आता हूं और अपने नीचे आरसीयू और लैंडिंग गियर को देख रहा हूं। एक कदम नीचे रखना बहुत आसान लग रहा है। वैसे मुझे भी कोई कठिनाई नहीं लगी और चलना भी एकदम आसान है। तुम्हें 3 कदम चलना है, ये थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा आगे, बस 1 इंच। फोटो खींच रहा है ये। ओके, अब मैं एक पांव यहां कैमरा देखा कैसा था। हाथ नीचे तकरीबन चौथी बार आता दूसरा है। वो अपने नॉर्मल कैमरे नहीं चलेंगे वहां। हां क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओ हां, आराम से भाई आराम से। ये कदम बढ़िया रहा। हां लगभग 3 फुट। वाओ क्या नजारा है, सच में शानदार है। उड़ रहे हैं ना। पहला कदम रखा जुलाई 1970 को मानव जाति की ओर से शांति का संदेश। मैग्निफिसेंट डेजोलेशन आलीशान वीरान की। मोबाइल में ऐसे ही लग रहा होगा। बट बिलीव मी गाइस, इस 3D चश्मे से है ना ऑसम एक्सपीरियंस है। और चंद्रमा के बीच कई लाख मील का सफर। हाँ, यहाँ पे आके जो फील कर सकते हैं ना कसम से, ये सचमुच चमत्कार है। कैसे बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में ना ये जो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ना, गजब है यार। हेलो स्पोर्ट्स के चाहने वालों, उन अपोलो अभियान में जस्ट बिकॉज़ ऑफ उची बात है। 945 845 कितना छोटा है यहाँ देखो, ये जगह कितनी बड़ी है। वाव, 6 अपोलो मिशंस द्वारा 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर पहुंचाया गया, जहां उन्हें अफ्रीका जितने बड़े इलाके की छानबीन करनी थी। चांद पर उतरने का स्थान बरसों की चर्चा के बाद तय किया गया था। एस्ट्रोनॉट्स का मुख्य लक्ष्य था जितना ज्यादा हो सके वहां देख ले फिर वापस लौटा। अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने से पहले उन्हें करोड़ों डॉलर की लागत से बने सूट पहनने थे, जिससे चांद पर चलते समय वो सुरक्षित रहे। अब हम चलें? सभी उपकरण चेक करने पड़ते हैं, उन्हें टेस्ट करके
दोबारा चेक किया जाता है। इसमें लगभग दो घंटे लग जाते हैं। हम लोग चांद पर हैं, उसे खिड़की से देख रहे हैं। अब करना ये है कि जल्द से जल्द बाहर जाकर वो काम करें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन प्रोसीजर के मुताबिक एक के बाद एक। डेव स्कॉट, अपोलो 15। यहाँ हैडली बेस पर हम दरवाजा खोलने से पहले डिप्रेस के लिए रुके हैं। ओके, खोलने के लिए डंप वाल्व को आगे करो। 4:30 तक वाल्व अब 4 पर 3.5 पर मार्क करो। ये खुल गया। चांद पर पहला कदम हर एक अपोलो एस्ट्रोनॉट के लिए उनके जीवन का अनोखा अनुभव है। नील आर्मस्ट्रांग के पहले शब्द इतिहास बन गए, लेकिन बाद में चांद पर कदम रखने वाले 11 एस्ट्रोनॉट्स के शब्द ऐसा नहीं कर पाए। तुम अब नजर आने लगे हो पीट। वाह, शायद ये नील के लिए छोटा रहा होगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। टॉरस लिट्रो पर उतरते हुए मैं अपोलो 17 का ये पहला कदम उन सभी को अर्पित करता हूँ जिन्होंने ये काम संभव किया है। एक बूढ़े के लिए ये बुरा नहीं है। ओके, तुम सही हो यार, अब सदैव पर है। सफर लंबा था पर हम पहुंच ही गए। तो तुम हो वो रहस्यमय अनजान डिकाटिस पायलट प्लेन्स। अपोलो 16 तुम्हारा व्यक्तित्व बदल देगा। शाबाश, बढ़िया लग रहे हो। स्वागत है। अरे देखो वो सूरज कितना तेज है। अरे अरे जरा संभल कर। वाह कितना सुंदर है, मुझे सन वैली की याद आ गई। लिखा था यहाँ पर मनुष्य ने चांद पर सबसे पहले खोजबीन पूरी की। जिस शांति की भावना से हम यहाँ आए थे, वही भावना मानव जाति के प्रत्येक जीवन में छन के वो स्मारक चिन्ह और उसके जैसे 5 और आज भी चांद पर। 10 सेकंड ये छोड़ दो, धकेल दिया, नीचे आप ऊपर किया। ओके, मैं प्रो लेने लगा हूँ। 9 आगे बढ़ चुका है। 3, 2, 1 अंतरिक्ष में इंसानों का हजारों घंटों तक काम करना और रहना जारी है। हम साबित करना चाहेंगे अंतरिक्ष में उड़ने वाले 421 में 422 में और 423 में एस्ट्रोनॉट का। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन हमें सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी और हैडली विल जैसी जगह पर लौटना है। चांद पर जाकर आगे की खोजबीन करनी है और ये वही करेगा जिसके हाथों और ख्वाबों में यह आकांक्षा है। शायद वो व्यक्ति मैं चांद पर जाऊंगी। मैं 7 साल की हूँ और मैं चांद पर जरूर जाने वाली हूँ। सब चीजों को देख के चांद के 14वें दिन के रात्रि काम का 12वां दिन है और मैं बताऊं यहाँ इतने सितारे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे क्षितिज पर नॉर्थ अफ्रीका उभरता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, हमारा दिन शुरू हो रहा है ह्यूस्टन। ओके साथियों, हॉर्न का चक्कर लगाते हैं। अल्फा स्टेशन। अल्फा स्टेशन के पावर जनरेटर पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, सभी सेल्स को पूरी ऊर्जा मिलती रहेगी। बीटा स्टेशन रेडियो टेलीस्कोप। बस्ती बस आले चांद पर नाश करेंगे चांद का भी। पृथ्वी का तो कर दिया।
लोगों को चांद पर खोजबीन करने का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अपोलो प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी को अपना इनाम मिला। हम पलटकर अपनी यात्राओं को देख सकते हैं, उनसे सबक ले सकते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। अभी भी खोज के लिए बहुत कुछ बाकी है। बस ऑर्बिट अपोलो 11। एक्सपीरियंस वाज ऑसम है, मैं बता नहीं सकता मैंने क्या फील किया है। वाज ऑसम। टीरेक्स तो मेरे पास है। हार्ट वार्मिंग था। बहुत टीरेक्स है तुम्हारे पास? डायनासोर की साइज ज्यादा गूज बम्स रुक नहीं रहे। इतना अच्छा था। दिस साइंस सिटी इज ऑसम। फॉर दिस काइंड लेडी जो मेरे से हर दम धड़क झगड़ती रहती है। सच यार बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कसम से। हार्ट वार्मिंग था ये। सो नाउ आफ्टर 3D वी आर गोइंग फॉर एक्वेरियम जहाँ पे फिश वगैरह होंगी सब। देखते हैं।